के बाद में फुल बनाए ये मीठे राइस। इट्स सो डार्क। हाँ, ये कर लो पहले। तो जी ये है मेरे प्यारे से दादाजी। मैं अपने दादाजी के नेल्स काट रही थी। अपने दादाजी मैं दोनों के नेल्स काट देती हूँ। ऐसा नहीं है वो काट नहीं सकते, वो काट देते हैं, लेकिन मुझे डर लगता है कहीं वो अपने हाथ ना काट दे, कटना पड़ जाए, इसलिए मैं खुद ही काटती हूँ बड़े प्यार से। हाँ ये तो चक्रादा का है। हाँ दीदी, चूहे को देख के बहुत डरते हैं। पिछली बार तो दीदी के बाल खाने आ गया था चूहा। गाइस, मेरा मानना तो ये है कि अगर अपने जीवन में आप अपने बड़े बूढ़ों की थोड़ी भी सेवा ना कर पाए तो आपका जीवन फिर व्यर्थ ही है। गाइस, आज मम्मी ने बनाए ये मीठे राइस। लंच मैंने कर लिया वैसे, बट ये खा रही हूँ लाइक अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। बट मैं मीठा खाती नहीं हूँ, फिर मैंने बहुत थोड़ा लिया है, देखो बहुत थोड़ा, बट इसको खा लेती हूँ क्योंकि ये अच्छा हो रहा है इसलिए। तो लीजिए, शाम को मैं आ गई थी ताई सारी सब्जियाँ लेने, क्योंकि मुझे सब्जी लेना बहुत अच्छा लगता है। ऊपर से मम्मी कहती तुम ही लेके आओ, क्योंकि तुम्हें जो पसंद है तुम वही लेके आओ, ताकि मुझे दो दो तीन तीन ना बनाना पड़े, तुम्हारे ड्रामे होते हैं। इसलिए मैं अपनी पसंद की सब्जियाँ यहाँ पे से ले रही थी। हाँ ये पैकेट दे दीजिए। तो यहाँ पे मैंने मशरूम लिया, मशरूम मुझे बहुत पसंद है बहुत ज़्यादा, और जब मैं खुद बनाती हूँ तो मुझे और ज़्यादा पसंद है अपने हाथों का। फिर मैंने भिंडियाँ भी ली और मेथी भी ली, क्योंकि बगीचे में भी छोटी है ना, तो यहीं से मैंने ले ली थी। तो यहाँ पे भैया सब्जियाँ पैक कर रहे थे, तो मैंने उन्हें कहा अरे धनिया मिर्च तो दो, तो फिर मेरे बोलने पे उन्होंने धनिया मिर्च दिया, नहीं तो खुद नहीं दे रहे थे। ये तो हमारा हक होता है धनिया मिर्च देना, क्यों यार ये समाज का भाई हो गया मेरा। तो इसके बाद मैं गई सोलो डेट पे, मजाक कर रही हूँ, सूप पीने गई थी। एक्चुअली मेरा गला बड़ा खिरखिर हो रहा था, तो यहाँ का सूप इतना टेस्टी होता है, इतना टेस्टी होता है, तो मैं चले गई पीने, बड़ा मन कर रहा था। सूप कितना गर्म था इसका अंदाज़ा आप इस धुएं से ही लगा सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे ही चम्मच से घुमा घुमा के इसको ठंडा करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मुझे इतनी जल्दी हो रही थी इसको पीने की। आहा, बड़ा मज़ा आ रहा है लोगों को देखते देखते सूप पीने में। यस, बींग अ सोशल डिस्टेंस मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों को ऑब्जर्व करना। एंड मेरे को अब जब से लाइक थर्ड ईयर होने वाला है, तो मैं जब से सब्जेक्ट है तब से मैं ज़्यादा ऑब्जर्व करने लग गई लोगों को कि कैसे करते हैं या फिर क्या कर रहे हैं, बिकॉज हम वहीं पढ़ रहे हैं ना अपनी डेली लाइफ में। एंड हमारे प्रोफेसर्स भी कहते हैं कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में उसको कनेक्ट करो, तो मैं देखती हूँ ऑब्जर्व करती हूँ अच्छा ये कर रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है देखने में। और मतलब मैं फिर अपने स्टडीज से कनेक्ट करती हूँ अच्छा ऐसा ऐसा, तो अच्छा लगता है मुझे काफ़ी। और यहाँ पे सूप इतना टेस्टी हो रहा था, मैं बड़े ही मज़े से पी रही थी इधर उधर देखते देखते टुकुर टुकुर, एंड ऐसे ही सूप ठंडा हो गया था और मैं फटाफट फटाफट पीने लग गई और सूप ख़त्म हो गया और मैं घर आ गई। छत पे जा रही हूँ क्योंकि मैं अपना जैकेट लाना भूल गई, मैंने उसको सुखाया था धूप पे और मैं नीचे लाना भूल गई, तो मैं जाती हूँ। मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि अंधेरा है। जय माता रानी, जय माता रानी, जय माता रानी। इट्स सो डार्क। ओके, थोड़ी रोशनी है, थोड़ी रोशनी है। आ आ आ, मैं हूँ मैं छत पे। ओके नो वन, ओके गाइस, जीरा मेरा जैकेट, ये मैंने धुला था और इसको मैं लाना भूल गई। ओह, ये कौन सो रखा है यहाँ पे, इस लगता है ना कोई सो रखा है। कौन है? ओ गाइस, मैं नीचे चले जाती हूँ क्योंकि मुझे डर लग रहा है, भाग लेती हूँ नीचे नीचे फटाफट से आराम से बर्न। ओ, अंदर जाके मिलती हूँ। ओके मम्मी, मम्मी नहीं मिल रही, मम्मी हाँ ये कर लो पहले। मम्मी ओके, बाहर है मम्मी, मम्मी बाहर है। मैं बोल रही हूँ कि हम सूजी पास्ता बनाए। नहीं नहीं क्यों,
बोलो क्यों? आज मैंने बना रखा आलू बड़ी अच्छी, आलू बड़ी छीमी। ठीक है तो हम आज नहीं खाते हैं, बट मैं हेल्थी वाला लाई हूँ, मैदा वाला नहीं लाई मैं, ताकि आप भी खा सको। क्या हुआ? ठंड। ओके बाय। तो गाइस मम्मी मना कर दिया, कोई बात नहीं, हम कल खाएंगे। और तो आज के लिए फिर इतना ही, तो मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखो और मेरा भी, मुझे बहुत सारा प्यार दो, प्यार की कमी लग रही है बहुत ज़्यादा आजकल, तो कुछ ज़्यादा ही लग रही है। तो मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।